नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरु जी और हम देख रहे हैं वैदिक मैथ्स की सीरीज़ और ये है लेक्चर नंबर 7। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं दिए 1 to 6 तो आप जल्दी से जाके वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स आपने मिस कर दी है। और प्रीवियस के 2 तो देखने ही चाहिए, क्योंकि उसकी का ये 3rd वाला लेक्चर है। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको 11 से दिखाया कि कोई भी नंबर हो तो 11 से मल्टीप्लाई करो तो कैसे करेंगे, 111 से मल्टीप्लाई करवाने का आपको सिखाया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर चलो मान लिया 11 से हो गया, 111 से हो गया, 1111 से करना हो तो क्या करना रहेगा। तो इसके लिए ये वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है कोई भी नंबर का 111 से, सॉरी 4 times 1 से, तो उसका भी बड़ा ही आसान तरीका है, ज़्यादा कोई मचमच नहीं है। आपको पहले क्या करना है, 2 को एज इट इज़ रख देना है, तो मैंने 2 को एज इट इज़ रख दिया। फिर क्या करेंगे, 2 डिजिट का एडिशन करें, 5 + 2 क्या होगा 7। फिर क्या करेंगे, 3 डिजिट का एडिशन करेंगे, 3 + 5 + 2, तो 3 + 5 = 8 होगा, 8 और 2 कितना होगा 10, 10 का 0 यहाँ पे और एक कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 डिजिट है, तो टोटल 4 डिजिट का मैक्स टू मैक्स एडिशन होगा। 4 डिजिट का एडिशन करेंगे, 1 + 3 + 5 + 2, 1 + 3 क्या होगा 4, 4 + 5 क्या होगा 9, 9 + 2 क्या होगा 11, 11 और एक यूनिट था कैरी फॉरवर्ड था, तो 11 + 1 क्या होगा 12, 12 का 2 यहाँ पे और 1 कैरी फॉरवर्ड अगेन होगा। अब क्या करना है, मैक्सिमम 4 डिजिट हमने एडिशन कर लिया, तो अब हम 1 को स्किप करते जाएंगे, 2 को स्किप कर दो और बाकी 3 का एडिशन करो, क्योंकि यहाँ पे अब 3 ही बचे हैं। अगर आप 4 होते तो 4 का करते हम, तो 1 + 3 क्या होगा 4 और 4 + 5 क्या होगा 9 और 9 और एक कैरी था, तो उसके लिए 10, 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी अगेन लग जाएगा। 5 को स्किप करो और बाकी 2 को ऐड करो, 1 + 3 क्या होगा 4 और 4 और 1 कैरी था तो क्या हो जाएगा 5। अब 3 को स्किप करो, बचा क्या 1, तो आपका आंसर होगा 1502072, है ना आसान। चलिए एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो हम इसको 4 बनाएंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम 4 तो चाहिए ना, ताकि हम ऐड कर पाए, ठीक है। अब यूनिट का 1 है तो 1 एज इट इज़ रहेगा। फिर क्या करेंगे, 2 का ऐड करेंगे, 2 + 1 क्या होगा 3, 3 का एडिशन करेंगे, 3 + 2 + 1, 3 और 2 = 5 और 1 = 6। अब क्या करेंगे, 4 का एडिशन करेंगे, अब 0 तो है नहीं, 0 का तो मतलब कुछ ऐड होगा नहीं, तो 0 + 3 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6। अब क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स 4 डिजिट का ही हम एडिशन कर सकते हैं, तो अब 1 को स्किप करना होगा, तो 3 + 2 कितना होगा 5। अब 2 को स्किप करना होगा, 0 + 3 क्या होगा 3, ओके। अब 3 को स्किप करना होगा, बचा 0, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर बन जाएगा 3, 5, 6, 6, 3, 1, ठीक है। तो यहाँ पे है 4132 × 4×1, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का 2 का एज इट इज़ रखेंगे, 2 एज इट इज़ हो जाएगा, 3 + 2 = 5। अब 3 का एडिशन करेंगे, 1 + 3 + 2 क्या हो जाएगा 6। अब 4 का एडिशन करेंगे, 4 + 1 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10, 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 को निकाल दो, बाकी 3 का ऐड करो, 4 + 1 = 5, 5 + 3 = 8 और 8 और 1 = 9, 9 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, 3 को निकाल दो, बाकी 2 का एडिशन, 4 + 1 = 5, 1 को निकाल दो क्या बचेगा 4, तो आपका आंसर बन जाएगा 4590652। तो ऐसे ही किसी भी नंबर, मतलब जो अगर मल्टीप्लाई हो कर रहा है 11 से, 11 वाला नहीं, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हो तो प्रीवियस का लेक्चर चेक कर लीजिए, 111 वाला हो या फिर 1111 या फिर ऐसे कितने भी 11 हो, आप उनसे मल्टीप्लाई बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे। एक चीज़ समझ लो, अगर 11 से करना है तो मैक्सिमम 2 डिजिट तक एडिशन करना है, फिर वो स्लाइड स्किप करना है। फिर अगर 111 है तो मैक्सिमम 3 डिजिट का एडिशन करना है, फिर वो स्लाइड स्किप करना है। अगर 4 times 1 है तो जैसे अभी किया, मैक्सिमम 4 डिजिट का हम एडिशन करेंगे और फिर वो स्लाइड विंडो स्लाइड करेंगे, और वैसे ही जितने भी 11 हैं उतने का हमें स्लाइड सिलेक्ट करना रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपकी मैथ्स में स्पीड बढ़ती रहेगी। फेसबुक पे आप मुझे लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं PDFs प्रोवाइड करता रहता हूँ, वीकली MCQ और इम्पोर्टेंट डेज और वगैरह वगैरह।
इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और कोई भी डाउट रहता है वो मुझे पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।